वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर होगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 5। इसमें हम लोग स्टूडेंट्स देखने वाले हैं बहुलक के बारे में, बहुलक क्या होता है, कैसे होता है, और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं किस टाइप के कैसे बनते हैं, सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं बहुत ही बढ़िया वे में बहुलक। ठीक, बहुलक बहुलक इसे क्या कहते हो? मॉड इंग्लिश में। ठीक, मॉड कहते हो। तो देखो बहुलक क्या होता है। बहुलक के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुलक के लिए आपको सबसे पहले डाटा दिया रहेगा। ठीक है, डाटा अगर दिया रहेगा तो उसमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक आया है, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही आपका बहुलक होगा। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर सीधे सीधे अगर आपको मान लो एक्स दिया है, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी उसकी दी है, तो एक चीज़ और कि अगर फ्रीक्वेंसी अगर दी है तो देख लेना फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज़्यादा बार आया हो वो आपका बहुलक होगा, उसके सामने वाला जो एक्स होगा वो आपका बहुलक होगा। ये मैंने दो टाइप के बताए। ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ में। सबसे पहला एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ठीक, ये क्या है तब उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक, चलो मैं कह रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 2। ठीक, अच्छा ये बताओ इसमें सबसे ज़्यादा बार किसकी आवृत्ति हुई होगी, इसमें सबसे ज़्यादा बार किसकी आवृत्ति हुई होगी। देखो पहले दो को देख लो कितनी बार आया है, दो को देखोगे कितनी बार आया है, 1, 2, 3, तीन बार आया। इसमें तीन देखो कितनी बार आया, 1, 2, यानी कि मेरे ख्याल से दो सबसे ज़्यादा बार आया। ठीक है, अगर दो सबसे ज़्यादा बार आया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जानते हो स्टूडेंट्स? इसका आंसर मॉड बराबर 2 हो जाएगा, ये होगा आपका आंसर। ठीक, इस टाइप से आपको जब डाटा दिया रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग कर ले जाओगे, मुझे पता है। चलो इसकी आवृत्ति कितनी बार आई है, हुई है, अगर ये डायरेक्टली आपसे पूछ ले कि इसका मॉड बताओ उसके बाद इसके साथ इसकी आवृत्ति बताओ, आवृत्ति मतलब कितनी बार आया है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करता है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की बात करता है। ठीक, आवृत्ति की बात करता है तो कितनी बार आया है? सर तीन बार आया है और 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक, चलो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारा दूसरा टाइप है। मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा स्टूडेंट्स, आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल आते हैं और बहुलक के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, बहुत ही ईजी है, उससे ज़्यादा तो है नहीं इसमें। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास 1 रुपये का कोई नोट है, ठीक 2 रुपये का कोई नोट है, 5 रुपये का कोई नोट है और 10 रुपये का कोई नोट है, ठीक है, 4 नोट हैं मेरे पास। अब वो कितने कितने हैं? 1 का नोट मेरे पास 10 है, ठीक, और 2 का नोट जो है हमारे पास 20 है, और 5 का नोट 5 है, ठीक, और 10 का नोट जो है हमारे पास 25 है, ठीक, 25 बार। तो अब ये बताओ, ये हमें x गिवन है और ये हमें f गिवन है। अब अगर मैं पूछ लूँ कि इसका बहुलक क्या होगा, इसका मॉड क्या होगा, तो मैंने जैसे बताया कि जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार होगी उसके सामने वाला जो होगा वही आपका मॉड होगा, यानी उसके सामने वाला जिसके बारे में बात कर रहा है कि किसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, 10 रुपये के नोट की आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार हुई है तो 10 रुपये का नोट हमारा मॉड हो जाएगा। ठीक, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मॉड कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और सेम वही क्वेश्चन कि आवृत्ति कितनी बार है 25 बार, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक,
हालांकि ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें केवल मॉड पूछ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको केवल मॉड पूछेगा। मैंने जैसे दिया था उस टाइम पे वो वाला पहला वाला, उस पर हो सकता है आपको आवृत्ति भी पूछ ले, मॉड भी पूछ ले, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड मॉड। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे आपके सामने तो आप लोग बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे। क्या करना है, फ्रीक्वेंसी देखना है, जो सबसे ज़्यादा बार हो उसको पकड़ो, उसके सामने वाला जो दिया रहेगा उसी को आंसर लिख देना, ठीक, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस आपको देखते बराबर आंसर करना है मॉड पे। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर गलती से आ गए सपोज, तो क्या करना है, बस देखो आंसर करो निकलो, समझ रहे हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब इसके अलावा और क्या है। अगर मान लो हमारे पास, देखो अब इससे भी बढ़िया लेवल का जब आता है आपके पास बहुलक, तो वो किस टाइप का आता है हम बता रहे हैं। देखो वो आता है हमारा मॉडल क्लास वाला के हिसाब से, जो अभी तक हम लोग वो पढ़ रहे थे, क्लास इंटरवल जो पढ़ रहे थे। देखो जो हम लोग क्लास इंटरवल पढ़ रहे थे अभी तक, यानी कि मीन में, मीडियन में, ठीक है, जो हम लोग क्लास इंटरवल पढ़ रहे थे यानी वर्ग अंतराल पढ़ रहे थे, वही आके इसमें, जानते हो बहुलक में क्या हो जाता है, मॉडल क्लास हो जाता है, मॉडल क्लास। तो चलो मॉडल क्लास क्या होता है वो देख लेते हैं। मॉडल क्लास, ठीक है सर, इसे कहते हैं बहुलक वर्ग। होता वही है स्टूडेंट्स, यानी कि जो हमारा क्लास इंटरवल था वही होता है, लेकिन बात ये हो जाती है कि यहाँ पर बहुलक वर्ग बन जाता है, वो नाम बहुलक वर्ग से जाना जाता है वो, बस समझ रहे हो। तो क्या करना है इसमें, सबसे पहला काम देखो, जिस क्लास की बारंबारता सबसे अधिक होगी, वही आपका क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास, ठीक है, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होता है, अब इसके लिए हम देखो सबसे अच्छी चीज़ बता रहे हैं कि अब इस पर जो बेस्ड, मतलब मॉडल क्लास पे बेस्ड जो आपका वो आएगा बहुलक पूछा जाएगा, वो कैसे पूछा जाएगा। देखो मॉड का फार्मूला ये वाला लिख लेना, ठीक है, पहले इसको लिखो, फिर उसके बाद मैं एग्जांपल दूंगा, उसके बाद सॉल्व करना आप लोग। देखो मॉडल क्लास के हिसाब से सबसे पहला काम लोअर लिमिट, ठीक, फिर प्लस बड़ा सा ब्रैकेट, उसमें क्या हो जाएगा, F1 माइनस F0। मैं बताऊँगा ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग समझ लेना। ये हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक, फिर ब्रैकेट में हमारा कंप्लीट, उसके बाद ये हो जाएगा I मतलब हमारा क्या है, रेंज, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, I या H जो भी दिया रहेगा आपको सॉल्व करना, ठीक है, उस हिसाब से। ये हो गया आपका फॉर्मूला बहुलक का, ठीक। चलो अब इस पर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, देखते हैं क्या है। हम कहते हैं कि कुछ बच्चे हैं, ठीक, उनका एज का जो रेंज है हमारा मॉडल क्लास, मतलब जो इंटरवल क्लास इंटरवल दिया है, एज दिया है कि कितने से कितने के बीच में रहेंगे और कितने बच्चे रहेंगे, ये हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक, ठीक है सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। देखो कह रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक, 30 से 40। अब इनके बीच में कितने बच्चे हैं, 0 से 10 के बीच में 4 बच्चे हैं, ठीक, उसके बाद 10 से 20 के बच्चे में हमारे कितने हैं, 26 बच्चे हैं, और 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे हैं, 42 बच्चे हैं, ठीक है, 42 स्टूडेंट्स हैं, और 30 एंड 40 के बीच में हमारे कितने बच्चे हैं, 20, ठीक है सर, ये सभी इतने बच्चे हैं। चलो अब जैसे मॉडल क्लास का जो मैंने पढ़ा था अभी, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार होगी, अब ये बताओ कि इन सभी में फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, यानी कि किस इसमें, मतलब कौन से रेंज में
कौन से रेंज में कौन के मतलब कितने बच्चे ज़्यादा हैं, किसके बच्चे सबसे ज़्यादा हैं। 0 से 10 के बीच में 4 हैं, 10 से 20 के बीच में 26 हैं, 20 से 30 के बीच में 42 हैं और 30 से 40 के बीच में 20 हैं। तो ये बताओ सबसे ज़्यादा किसमें है, सबसे ज़्यादा इसमें है ना, सबसे ज़्यादा इसमें है। ठीक है सर, इसमें है सबसे ज़्यादा इसमें है। तो अब क्या करना है, सबसे ज़्यादा इसमें है तो ये हो गया F1, समझे, ये हो गया हमारा F1। इससे पहले जो वाला वैल्यू है वो हमारा हो जाएगा F0 और इससे नीचे वाला जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा F2। क्या समझे, यहाँ देख रहे हो ना, जो सबसे ज़्यादा है वो हो गया हमारा F1, उससे पहले वाला वैल्यू हो गया हमारा F0, उससे जस्ट नीचे वाला हो गया F2। ठीक है, हमें इतना तो पता चल गया। अब जब हमें ये पता है कि उसके सामने वाला यानी कि हमारा जो सबसे ज़्यादा बच्चे हैं वो किस रेंज में है, वो 20 और 30 के बीच में है, यानी कि जो हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा, मॉडल क्लास कौन सा होगा, ये हो जाएगा 20 से 30। ठीक है सर, 20 से 30 हो जाएगा, तो हमें रेंज क्या पता चला, यानी आई की अगर हम बात करें, रेंज की बात करें, तो 30 - 20 = 10। ठीक, और उसके बाद हमारा जो लोअर लिमिट है वो कितना है, वो है हमारा 20, लोअर लिमिट, चलो 20 है हमारा लोअर लिमिट। हमें F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया, लोअर लिमिट मिल गया और रेंज मिल गया। अब हमें और कुछ चाहिए क्या इसमें, कुछ नहीं चाहिए। अब क्या करना है, सीधे सीधे हमें मॉड फाइंड आउट करना है। मॉड फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या होगा, लोअर लिमिट कितना है 20, ठीक है सर, प्लस अब क्या हमारा जो F1 - F0, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42 - 26 होल डिवाइडेड बाई, देखो फिर 2 × F1, ठीक, 2 × F1 यानी 42, फिर माइनस F0 यानी 26 माइनस कितना हो जाएगा 20। ठीक है सर, इतना हो गया। फिर उसके बाद रेंज कितना है आपका, रेंज हमें पता है 10 है, 10। अब क्या करना है, डायरेक्टली आप लोग सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42, यानी कि 12 में से 6 गए 6, ठीक, 12 में से 6 गए 6, ठीक, उसके बाद 3 में से 2 गए 1, ठीक है सर, 16 होल डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 - 46 अगर आप घटाओगे ये कितना हो जाएगा 8, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 3 यानी 38, नीचे कितना आ गया 38। अब फिर उसके बाद ये हो गया आपका 10। अब स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये फाइनली आपका कितना आ जाएगा जानते हो, ये आ जाएगा 20 + 80 होल डिवाइडेड बाई 19, ठीक, इस तरीके से आएगा, चलो ठीक है। ठीक है सर, अब इसके बाद जब इसको और सॉल्व करोगे तो ये फाइनल आ जाएगा आपका 24.21 इज द राइट आंसर। ये देखो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, इस तरीके से कहा जाए तो बहुत ही बड़े बड़े मैंने वो ले लिए थे, लेकिन आपको जब क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल आएगा, इसमें कुछ नंबर दिए रहेंगे 1, 2, 3, 4 इस टाइप के दिए रहेंगे और यहाँ पर फॉर्मूले यही रहेंगे, फॉर्मूले यही वाला रहेगा, ठीक है, और बाकी सॉल्यूशन इसी ढंग से होगा। क्या करना है, सबसे पहला काम कि हमें सबसे बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, सबसे बड़ा वाला देखना है, बड़े वाले को हम F1 मानते हैं, फिर उसके ऊपर वाला हमारा F0 हो जाएगा, उसके नीचे वाला हो जाएगा F2। हमें 3 कंटेंट मिल गया, ठीक है, अब 3 मिल गया, लोअर लिमिट उसके, अब उसके सामने जो F1 के जस्ट सामने वाला जो उसके संगत, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा रेंज है, जो हमारा एज गिवन है, यानी कि हमारा जो मॉडल क्लास गिवन है, उसको लें, और उसको लेने के बाद हमें क्या करना है, लोअर लिमिट पता चल जाएगा, रेंज पता चल जाएगा, ये दोनों पता चल गए, उसके बाद सारे वैल्यू रख दो आप, क्वेश्चन आराम से लग जाएगा मेरे ख्याल से। आप लोग सॉल्व करो, एक बार देखो, ट्राई करो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तो इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेंगे, जितने भी टाइप के अभी तक जितने भी टाइप के आप देखे हो, 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, ठीक, तो 3 टाइप के इसमें जो क्वेश्चंस बन रहे हैं बहुलक में, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग लेने वाले हैं अभी तुरंत, ठीक।
देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे, मैं इतना जानता हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम पे सबसे पहले क्या पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता है मैं जानता हूँ। अभी जब मैं अभी स्टार्ट करूँ, देखो अभी क्या आपका ज्योमेट्री में कुछ पार्ट बाकी है मेरे ख्याल से, और मेंसुरेशन तो पूरा बाकी है, तो दोनों मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है, दोनों मैं कंप्लीट करूँगा बहुत ही अच्छे वे में। और कुछ बाकी हो तो आप लोग सर के पास मैसेज कर दो क्या क्या बाकी है सारी चीज़ें, तो सारा डिटेल आप सर को दे दोगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग जितने भी टाइप के, मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम देने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें 50 आउट ऑफ 50 आना है, ठीक है, उसके लिए मेहनत उसी लेवल का चाहिए जिस लेवल का हम लोग करते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी चाहिए, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में जो आता है उस टाइप का चाहिए हमें, कम से कम उतना लेवल तो चाहिए ही चाहिए, उससे अगर एक लेवल अप भी हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टाइम कम है और ज़्यादा काम है तो उस लेवल तक पहुँच जाओ, बस यही बहुत बड़ी बात है अभी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, आप क्या करना, सॉल्व करना सबसे पहले, फिर मतलब वीडियो पॉज करके सॉल्व करना क्वेश्चन देख के, उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करने के बाद आंसर मैच कराना है, ठीक। चलो इसमें बहुलक का मान बता दो, बहुलक का मान तो बहुत ही इजी होगा, ठीक, बहुलक का मान बहुत ही इजी होगा, तो मेरे ख्याल से सभी को पता है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक, अगर ऐसे क्वेश्चन सबको पता है तो बताओ इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, जल्दी से, बहुत ही जल्दी। देखो इसमें मुझे चार, देखो सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, चार दिख रहा है ना सबसे ज़्यादा बार, हाँ बिल्कुल, तो इसका जो मॉड हो जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, चार, इसका जो बहुलक हो जाएगा वो होगा हमारा चार, चल फोर, ये तो हो गया क्वेश्चन, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मोड ऑफ, चलो फाइंड द मोड, मतलब मोड पता करना है कि इसमें आपको पूरा, मतलब ये इधर वेजेस दिया है, वेजेस गिवन है यानी वेतन, ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक। चलो नंबर ऑफ पर्सन मतलब कितने आदमी काम कर रहे हैं और उसके उनके उन सभी के वेजेस, मतलब उन सभी के पेमेंट्स कितने होते हैं, ठीक है, तो देखो 150 पेमेंट्स की कैटेगरी मैं पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं नंबर ऑफ पर्सन लिखूँगा, ठीक है, फिर उस हिसाब से आपको आंसर करना है। चलो दूसरे में है 155, तीसरे में है 160, उसके बाद चौथे में है 165, पाँचवें में है 170 और छठे में है 175 और फिर उसके बाद 180, ठीक। इसमें है 3, इसमें है 4, इसके बाद इसमें है 12 और इसमें है 10 और इसमें है 8 और इसमें है आपके 4 और 2। तो अब बताओ इसमें कि मॉड क्या होगा, क्या पता करना है, मॉड पता करना है, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, देखो हमें ये क्या गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, बिल्कुल, और फ्रीक्वेंसी का मतलब जिस वेतन की सबसे ज़्यादा आवृत्ति होगी, यानी कि जितने लोगों को, मतलब अधिक से अधिक लोगों को आपको अगर सबसे ज़्यादा किनको मिल रहा है वो देखना है, कि मतलब किस में ज़्यादा, कौन से वेतन में सबसे ज़्यादा लोग हैं, तो वो हैं हमारे 12 लोग, किस में, 170 वाले में, तो यानी कि ये जो हमारा फ्रिक्वेंसी है उसके अलावा जो हमारा मॉड बन जाएगा वो हो जाएगा 170, मॉड हमारा कितना हो जाएगा 170 इज़ द राइट आंसर, क्या समझे, यानी कि फ्रिक्वेंसी पता करो किस में सबसे ज़्यादा है, किस में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्या करना है, उसका हमें जितने, मतलब उसके ऊपर जो वैल्यू लिखा रहेगा एक्स का वैल्यू वो हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक, समझ में आ गया। चलो तो अब आगे देखते हैं, अब दूसरे टाइप का देखते हैं,
ठीक है सर। अब जो लास्ट टाइप है हम उसको देखते हैं। चलो जो लास्ट टाइप है उसको देखते हैं, उसमें क्या है, क्लास है एंड फ्रीक्वेंसी है। चलो भाई, क्लास है और फ्रीक्वेंसी है। चलो देखो, मैं क्लास लिख रहा हूँ पहले, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। चलो ये हो गया आपके सभी क्लास, ठीक। उसके बाद हमारा जो फ्रीक्वेंसी है इसमें, ये है हमारा 18, ये है हमारा 40, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 50, उसके बाद ये हो जाएगा 30, 24, ठीक। तो अब इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है सर, इस टाइप के जब हमें क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले तो हमें मॉड का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक। मॉड का फार्मूला क्या होगा सर, लोअर लिमिट, ठीक, प्लस f1 - f0 होल डिवाइडेड बाई 2f1 - f0 - f2, फिर उसके बाद इनटू रेंज, ठीक। ये हमारा होना चाहिए फार्मूला। अब इसमें देखो कि सबसे बड़ा वाला कौन सा है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसकी है 50 की, बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा f1, ठीक। अब इससे जो पीछे है, इससे जो पीछे है, उससे जो पहले है वो हो जाएगा हमारा f0, और इसके जो बाद है वो हो जाएगा हमारा f2, क्या समझे। और अब इसके ऊपर जो हमारा, इसके जो संगत जो हमारा जो मॉडल रेंज दिया गया है, यानी मॉडल क्लास दिया गया है, वहाँ से हमारा लोअर लिमिट पता चलेगा। लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट हमें पता है 15, बिल्कुल। लोअर लिमिट कितना है यहाँ पर, 15, लोअर लिमिट हमें पता है 15, ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ से क्या पता चलेगा, रेंज यानी आई, 20 - 15 कितना हो जाएगा, 5 हो गया। हमें रेंज, लोअर लिमिट, f1, f0 और f2 पता चल गया। तो अब क्या करना है, सीधे सीधे सॉल्व कर लो। मॉडल मॉड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लोअर लिमिट कितना है हमारा, 15 प्लस, फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, f1 कितना है, f1 50 है, 50 - f0 कितना है, 30, होल डिवाइडेड बाई 2f1 यानी कि हो गया ये 100, ठीक, माइनस f0 यानी कि हो गया ये 30, फिर माइनस ये हो गया f2 यानी कि हो गया 40, फिर ब्रैकेट में ब्रैकेट बंद, फिर रेंज कितना है हमारा, 5, ठीक है सर। अब क्या करना है, 15 के बाद प्लस, ठीक, फिर ब्रैकेट में क्या है, ये हमारा 20 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा ये 70 यानी कि ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा इधर 5 है यानी कि 5 से फिर भाग दोगे, ये जाएगा 6 बार, फिर 3, फिर ये हो जाएगा 10 बार, यानी कि इधर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15 - 45, 10 - 55, 55/3 हो जाएगा स्टूडेंट से आपका आंसर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, और चाहो तो ऐसे भी आंसर जिस टाइप का आपका ऑप्शन में गिवन हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको देखने में बहुत बड़ा लगेगा कि हाँ सर इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे करेंगे, बिल्कुल नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है सर, फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे बड़ी है, वहाँ f1 हो जाएगा, फिर उसके बाद f0, उसके ऊपर वाला, उसके नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा f2, उसके जस्ट ये जो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो रेंज रहेगा, उसके जो मतलब जो मॉडल क्लास रहेगा, उस मॉडल क्लास को लो, वहाँ से लोअर लिमिट निकालो और रेंज निकाल दो, रेंज निकाल दो और लोअर लिमिट निकाल दोगे तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, ठीक। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो अब आपका बहुलक जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक। अब जो बहुलक हो गया आपका ख़त्म, अगर बहुलक ख़त्म हो गया है तो अब इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके, आप सारे क्वेश्चन उठाओगे और सॉल्व कर डालोगे, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद फिर प्रीवियस ईयर पेपर के देखो, पहले अपने बुक से सॉल्व करो अगर चाहो तो, अदरवाइज़ अगर टाइम कम है तो पहले प्रैक्टिस से मतलब उसमें जो प्रैक्टिस सेट होता है उस पर सॉल्व करो, ठीक है। हर साल का उठा लो, हर साल में से देखो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक से अगर आप ले रहे हो ना, तो पर्टिकुलर टॉपिक से अगर आप ले रहे हो तो उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, आपके सामने यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस जो आते हैं और जो बुक में रहते हैं,
उन सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, पहले सॉल्व कर लेना है, एक ही दिन में आप एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दो, यानी कि उसमें ये हो जाएगा आपका नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ के साथ आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे बिल्ड हो जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। यही आपके लिए सबसे रामबाण इलाज है और यही आप करके जाना, और इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ कि पर्टिकुलर किसी भी चैप्टर से तुम क्वेश्चन करके आओगे 100% करके आओगे और बहुत बेहतर आंसर करके आओगे, ठीक है। चलो तो अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और तो कुछ फॉर्मूले हैं, मैं उसको बता दे रहा हूँ, उसके बाद ये आपका समझ लो स्टैटिस्टिक्स आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपके साथ ढेर सारे क्वेश्चंस आपको खुद करना है, ठीक है, आप खुद करो, और अगर मेरे पास टाइम अगर बचता है तो मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस उस पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग सॉल्व करना, ठीक। मैं सारे फॉर्मूले आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। चलो अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसमें, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था रिलेशन बिटवीन मीन मॉड एंड मीडियन, मतलब इन सभी में रिलेशन हमें पता करना है। सर मीन मॉड मीडियन इन सभी में अगर हमें रिलेशन पता करना है तो क्या करना होगा, देखो मॉड बराबर 3 into मीडियन माइनस 2 into मीन, ये आपका रिलेशन है स्टूडेंट्स, यानी कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक। अब ये जो रिलेशन है स्टूडेंट्स, इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं, आप देखना ये आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे लगभग उसमें से एक आध क्वेश्चन तो पक्का बनेगा इस पे। देखो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको लिख के जाना चाहिए और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पे बेस्ड जो कि जितने भी क्वेश्चन हों, मैं कराऊँगा ज़रूर इस पे क्वेश्चन, मैं कराऊँगा लेकिन उस दिन कराऊँगा जिस दिन मैं इस पे अलग से प्रीवियस ईयर के पेपर जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो सारे लेके आऊँगा मैं, तब उस टाइम पर मैं आपको बताऊँगा इस पे बेस्ड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्मूले आपको नोट कर लेने, और हाँ अब चलते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे कि दूसरा वाला फार्मूला क्या था। डेविएशन के बारे में आप सभी जानते हो, डेविएशन के बारे में देखो मानक विचलन का मैंने बता दिया, लेकिन अभी क्या, अभी एक पॉइंट बचा है मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन, क्या मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन, अब अगर ये आ गया तो क्या होगा माध्य विचलन। अब माध्य विचलन का फॉर्मूला क्या होता है सर, माध्य विचलन की अगर हम बात कर लें ये हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, फिर उसके बाद होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एन हो जाएगा, ये आपका माध्य विचलन हो जाएगा। क्या करना है, हमें डाटा दिया रहेगा एक्स, उसके बाद उसमें से क्या करना है हमें उसका माध्य निकालना है, ठीक है, माध्य निकालना है यानी मीन निकालना है, मीन निकालने के बाद क्या करना है सभी डाटा में से आपको घटा देना है, फिर होल डिवाइडेड जितना डाटा का नंबर हो नंबर ऑफ डाटा सारे लिख देना, फिर आपका मीन डेविएशन निकल के आ जाएगा सामने, ठीक। तो अब क्या करना है, अब ये हो गया, चलो मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ इसको, देखो एक्स क्या है हमारा डाटा, ठीक, गिवन डाटा, ठीक, गिवन डाटा, चलो उसके बाद x बार क्या है हमारा, ये है मीन यानी माध्य, आपको क्या करना है माध्य निकालना है, ठीक। चलो और फिर उसके बाद ये जो हमारा n है वो क्या है नंबर ऑफ डाटा, जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लो, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट करो, हालांकि इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, ठीक है, लेकिन नोट कर लो आपके लिए हेल्पफुल होगा थोड़ा बहुत, ठीक। और कोई फार्मूला है, हाँ अगर मान लो जैसे कि आपको एक और पॉइंट है इसमें कि अगर कोई माध्यिका से लिया गया, अगर जैसे कि आपको मीडियन पता है, ठीक है, मीडियन पता है और आपको क्या करना है माध्य निकालना है, ठीक है, माध्य विचलन, ठीक, अगर हमें मीडियन पता हो, ठीक है, माध्यिका
द्वारा माध्य विचलन, ठीक, विचलन। अगर हमें मीडियन पता है, ठीक है, मीडियन यानी कि हमें माध्यिका पता है, ठीक है सर, तो हमारा जो एक्स मतलब माध्य विचलन होगा, माध्य विचलन होगा, मीन डेविएशन होगा, वो हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स माइनस माध्यिका यानी कि मीडियन, ठीक, होल डिवाइडेड बाय एन, जहां हमारा एम क्या है, एम हमारा है मीडियन, ठीक, और एक्स सभी आप जानते हो, ठीक है, गिवन डाटा, और एन सभी जानते हो नंबर ऑफ डाटा। मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, और मैंने सारे फार्मूले आपको दे दिए हैं। जब कभी भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, आपको इन सभी पे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।